तो बंदा हाजिर है और पूरे सोशल मीडिया में यह चल रहा है फिलहाल कि सलमान खान ने किस तरह से एक यूट्यूबर को यह कह दिया कि जो तुम्हारे 7 मिलियन सब्सक्राइबर है अब ऑर्गेनिकली 7,000 भी नहीं रहेंगे। जब से ये मूवी रिलीज हुई है टाइगर 3, सलमान खान के फैंस इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किए हैं, ऑर्गेनिक। भाई ऑर्गेनिक से मतलब क्या है कि जितने भी यूट्यूबर है अपने सब्सक्राइबर खरीद करके बढ़ाते हैं वो अपने वीडियोस के कारण नहीं बल्कि लोगों को खरीद खरीद करके कहते हैं कि ये 100 रुपए लो और तुम जा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। कुछ किस तरह से हुआ है क्या 7 मिलियन सब्सक्राइबर। फॉलोअर्स की बात जहां पे चल ही रही है तो मुझे एक चीज तो भाई नहीं समझ में आया कि ये जो ऑरी इतना मर्दाना और इतने लंबे चौड़े कद के साथ में फोटो निकलवाते नजर आता है और जहां करण जौहर के शो पे हीरोइंस जो है ये कहती है कि वो काम क्या करता है मुझे तो नहीं पता लेकिन वो कुछ तो दमदार करता है जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच है। ये बंदे को जब घर के अंदर लाया गया ये भाई साहब से 24 घंटा नहीं चला गया और 24 घंटे के अंदर में इनको निकाल दिया गया घर से ये कह के कि ये मेहमान थे, कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं था। तो वो जो स्टेज पे कह रहा था कि 7 ब्रीफकेस भर करके 7 बड़े-बड़े उसके पास मतलब है थैला जो भी है वो भर करके लाया है तो वो सिर्फ 24 घंटे के लिए भाई साहब चड्डी के अलावा तो और किसी आउटफिट पे नहीं दिखे और बाल में जेल लगाया। तो एग्जैक्टली ये वो बंदा है जो कि भाई बहुत ही बड़े घर से बिलोंग करता है और पता नहीं कितने सारे पीआर टीम को खरीद करके पापराजी को अपने पीछे लगवा करके और ऐसे फोटोज डाल करके ये भाई साहब आज इतने बड़े खुद को स्टार बताते जिनका काम ही नहीं पता है। इनका काम है लिवर, मतलब अगर आप खाना बनाते हो यू आर अ कुकर और ये भाई साहब जीते हैं तो ये लिवर, हम सब के सब मुर्दे हैं तो वी आर डेडर। क्या फालतू इंग्लिश है यार। सीरियसली इसी लॉजिक के साथ में ये बंदा इस घर के अंदर में आया है। सलमान खान इस भाई साहब की भी खिंचाई कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया। वहीं पे अनुराग माना इसकी बेवकूफी का लेवल जो है आसमान छूता हुआ दिख रहा है कि ये सलमान खान से टक्कर ले रहा है और वो भी बिना किसी लॉजिक के। ये अपने ही स्टेटमेंट को जो है जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है और अभी वो ढूंढ रहा है कि कहां पे जाके मैं अपनी चीज को सही साबित कर पाऊं। इस बंदे की हालत और खानजादी की हालत सेम है। बाय द वे खानजादी से याद आया कि खानजादी को जो कहा गया कि भाई ये बंदी फेक कर रही है, मुझे भी यही लगता है कि वो बंदी फेक सारी चीजें बता रही है। लेकिन जैसे ही वीकेंड का वार खत्म होता है ट्विटर पे ट्रेंड चालू हो जाता है और उसमें सलमान खान को बैश किया जाता है, बिग बॉस को बैश किया जाता है कि वो बहुत मजबूत है, शी इज सो स्ट्रांग और उसने सच्ची में 3 साल जो है व्हीलचेयर पे गुजारा है। मुझे सिर्फ एक चीज नहीं समझ में आता, अगर मुझे बुखार है और कोई मुझे कहता है कि तुझे बुखार था ऐसे मेरा हेल्थ इश्यू को लेकर के कोई मजाक क्यों उड़ा रहा है। अगर कोई छींक रहा है खांस रहा है तू छींकता है और मैं ऑफेंड हो जाऊंगा, हाउ मैन। उल्टा तो मुझे इस स्टोरी को बताना चाहिए कि भाई मैंने कौन सी दवाई खाई और किस तरह से मैं सही हो गया। अगर मेरे बॉडी पार्ट्स को लेकर के कुछ हुआ था जहां पे मैं चल नहीं पा रहा था, मैं व्हीलचेयर पे था, मैं प्राउडली बताऊंगा कि मैं 3 साल तक व्हीलचेयर पे था, उसके बाद से आज देखो मैं ऐसा खड़ा हूं, दैट इज अबाउट माय व्हील पावर कि भाई मेरा विल पावर कुछ इस तरह का है, तो भाई इसमें ऑफेंड होने वाली कौन सी बात है। माना कि सच में थी यार बीमार, माना कि उसको हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन ये बंदी भी जो है अपनी बेवकूफी की चरम सीमा को छूती हुई नजर आ रही है। और इस जगह पे भाई सलमान भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा है कि वो जिस तरह से नाटक कर रही थी, हाँ क्या गलत था इसमें। अब देखो हो सकता है कि मेरे वीडियो से भी आकर के खानजादी के जितने भी फैंस है वो जाकर गाली देने लगे कि तू भी ऐसा कर रहा है, वहां पे भी वो सब किया जा रहा है। वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भाई ट्विटर में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बिग बॉस ये कैसा शो है जहां पे खाने का मोहताज कर देते हैं और बोलते हैं कि ये गेम शो है। तो जितने भी लोग आए थे क्या वो दूसरी क्लास के या फिर तीसरी कक्षा के बच्चे थे जिनको ये नहीं पता था कि घर के अंदर में एक एक चीनी के लिए या फिर चाय पत्ती के लिए अपने कॉफी के लिए लड़ते रहना पड़ता है। क्या पिछले 17 साल से उन्होंने कभी ये नहीं कि उस घर के अंदर में अपने कपड़े धुलने के लिए भी जो सामान चाहिए होता है उसके लिए भी टास्क कंप्लीट करके जीतना होता है, पर फिर भी कह रहे हैं कि भाई ये किस तरह का शो है। तो भाई देखने वाले देखना बंद कर दो। वैसे भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि ये सबसे खुद्दू शो है यार, और मैं भी मानता हूँ, पर लोगों का क्या है, यही सारी चीज और यही सारे फड्डे देखने में मजा आता है लोगों को कि कब ये लोग लड़ेंगे। ऑनेस्टली बताना, जब ये लोग लड़ रहे होते तभी तो तुम्हें मजा आ रहा होता है ना, और वही मजे लेने के बाद में कह रहे होते हो कि यार ये कौन सा गेम है, यहाँ पे आकर के सबको लड़ा करके ही मजे लिया जाता है। भाई बहुत बड़े डिप्लोमेट है यार यहाँ के लोग, सबके सब सब अपने मतलब ऑडियंस अपने अलग ही लेवल पे खेल रहे। तो भाई मुझे कुछ नहीं कहना, आप अपनी राय रख सकते हो कमेंट सेक्शन पे और आप बताओ कि आप किसके साथ हो किसके खिलाफ हो, सलमान खान को कितनी ज्यादा गालियां देनी और बिग बॉस को। तो भाई दैट्स इट, यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।